साथियों दीदी ने जय श्री राम का अभिवादन करने पर से ही लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया है। मुझे लगा मैं भी डायरेक्ट दीदी को जय श्री राम बोल दूं तो मुझे भी जेल में डाल दे, तो यहां के निर्दोष लोग जो जेल में पड़े हैं मैं उनकी सेवा करूंगा। पश्चिम बंगाल में राम नाम लेना भी अपराध हो गया है क्या? अरे दीदी, राम जी के आगे अच्छे अच्छों का अहंकार चूर चूर हो गया। आपका अहंकार कहां तक ठहर पाएगा? वामपंथियों का तो समझ में आता है, उनके तो विचार विदेशी है, संस्कार विदेशी है। यही कारण है कि वो अपने नाम में लगे सीता और राम उसकी लाज भी नहीं रखते और रामायण का अपमान, महाभारत का अपमान, हमारे पुराने ग्रंथों का अपमान, ये उनके लिए एक फैशन हो गया है। लेकिन ममता दीदी, आपने तो इन्हीं वामपंथियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। मां माटी और मानुष ने आपको शक्ति दी थी, फिर आप जय श्री राम को कहने वालों को जेल क्यों भेजने लगी हो?